नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को समझ रहे थे और हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा था। अगर बात करें हम अपवाह तंत्र की तो इसको हमने तीन भागों में बांटा था। जल्दी से देख लेते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, ऐसा अपवाह तंत्र जिसकी जो नदियाँ हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, उनको बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से समझते हैं। एक और है जिसका नाम है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। जिन नदियों का पानी अरब सागर में जाता है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। जबकि एक तीसरा अपवाह तंत्र था जो अंतःप्रवाह की नदियाँ थी। अंतःप्रवाह की नदियों का मतलब यह है कि ऐसी नदियाँ जिनका जल कहीं नहीं जाता, कुछ दूरी पर बहने के बाद वो अपने आप ही स्वतः ही विलुप्त हो जाती है, उनको बोलते हैं अंतःप्रवाह की नदियाँ। और उस अपवाह तंत्र को हम अंतःप्रवाह का अपवाह तंत्र नाम देते हैं। तो बंगाल, अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखें तो इस तरह से भारत का नक्शा है। तो इधर तो है अरब सागर वाला भाग और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो नदियाँ अपना जल इधर लेके जाती है वो तो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग, और जो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। अब राजस्थान के प्रसंग में अपन देखें तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र जो है और अंतःप्रवाह अपवाह तंत्र जो है और बंगाल की खाड़ी, इसका कुछ प्रतिशत है। माना कि अपवाह तंत्र है 100%, तो 100% में से अंतःप्रवाह की नदियों का जो क्षेत्र है वो लगभग 60% है। मतलब 100 में से 60 नदियां राजस्थान में अपना जल अंतःप्रवाह की नदियों के तौर पर बहाती है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात करें तो ये केवल 23% है और अरब सागरीय अपवाह तंत्र 17%। मतलब 100 नदियां अगर राजस्थान में बहती है तो 100 में से 17 नदियां अपना जल अरब सागर में लेके जाती है, 23 नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है, जबकि 60 नदियां ऐसी है जिनका जल कुछ दूरी पर बहने के बाद विलुप्त हो जाता है। और अंतःप्रवाह की नदियों की बात करें तो जैसे कुछ नदियों के नाम है कांकणी, कांतली नदी, ये अंतःप्रवाह की नदी है, साबी हो गई, और भी बात करें तो रूपनगढ़, ये कुछ नदियां हैं जो अपना जल कहाँ पे ले जाती है, अपना जल कहाँ पे कुछ दूरी पर बहने के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे एक और नदी है मेथा, इसका भी कुछ दूरी पर बहने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। और कांतली नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यताओं का भी विकास हुआ है, जैसे गणेश्वर सभ्यता हो गई, तो उन सब की बात भी हम करेंगे धीरे धीरे। पर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे चंबल नदी हो गई जो राजस्थान की कामधेनु है, बनास नदी, बाणगंगा नदी जो जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का। और अरब सागरी अपवाह तंत्र के भाग में अपने देखा था लूणी नदी को, और एक और जो महत्वपूर्ण नदी थी माही नदी, जो उल्टा यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, उसकी भी बात हमने कर ली थी। अब अरब सागरी अपवाह तंत्र में एक और महत्वपूर्ण नदी आती है जिसका नाम है पश्चिमी बनास, और पश्चिमी बनास के बाद साबरमती। तो इनकी बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो पश्चिमी बनास को समझते हैं कि पश्चिमी बनास नदी कहाँ कहाँ पे बहती है। तो हमारा टॉपिक क्या है? पश्चिमी बनास। बनास और पश्चिमी बनास में कंफ्यूज नहीं होना है। पश्चिमी बनास का मतलब है कि ये नदी जो है ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है और अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। और अरब सागर के कौन से भाग में ले जाती है? कच्छ के रण में। तो छोटे कच्छ के रण में अपना जल लेके जाती है, इसलिए अरब सागर का ये भाग है कच्छ का रण, वहां पे अपना जल लेके जाती है, इसलिए इसको अरब सागरीय अपवाह तंत्र में रखा है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति को अपन समझते हैं। अगर मैं रफली राजस्थान का मानचित्र बनाऊं तो ये मान लो राजस्थान की बाउंड्री है। अब राजस्थान की बाउंड्री पे यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सिरोही। ये है सिरोही, तो सिरोही जिला है। सिरोही के नीचे उदयपुर आ जाता है, उदयपुर के नीचे इधर आओ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आ जाता है। तो हम सिरोही जिले की बात करते हैं। क्यों सिरोही जिले की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये नदी सिरोही जिले से बहती है। तो सिरोही से ये निकली, ये नदी
सिरोही से यहाँ से बही और बहती बहती राजस्थान को क्रॉस करके ये चली जाती है गुजरात में। तो इस नदी के किनारे जो तीन शहर है उनको हमको ध्यान रखना है। एक तो सिरोही में महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है आबू शहर। आबू शहर किस नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास के किनारे है। एक और जगह की बात करेंगे वो है सिरोही में ही नया सनवाड़ जगह भी इस नदी के किनारे है। कहाँ पर? सिरोही में। तो नया सनवाड़, आबू शहर, ये तो राजस्थान के महत्वपूर्ण जगह हो गई जो कौन सी नदी के किनारे पर है? पश्चिम बनास के किनारे, जो सिरोही से निकलती है। उसके बाद एक और शहर इसके किनारे आ जाता है जिसका नाम है डीसा शहर। और डीसा शहर कहाँ है? ये है गुजरात। तो गुजरात का डीसा शहर, राजस्थान में नया सनवाड़ सिटी और आबू शहर इस नदी के किनारे पर स्थित है। दो महत्वपूर्ण नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ, एक तो कुकड़ी नदी जो कि सिरोही में ही बहती है और इसमें मिल जाती है, तो ये इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी जिसका नाम क्या आता है? कुकड़ी नदी। कहाँ पर है ये? सिरोही में ही है। तो सिरोही में ही बहती हुई है ये इस नदी में मिल जाती है जो इसकी सहायक नदी है। किसकी? पश्चिमी बनास की। और अगर दूसरी तरफ से बात करें बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ से इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सुकली नदी या फिर सीपू नदी इसमें आके मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ये सिरोही से निकलती है पर इसमें मिलती है गुजरात में जाके, जो राजस्थान की बाउंड्री पार करके गुजरात में जाकर इस नदी में मिलती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिरोही से निकली और गुजरात के जिले में गई, और गुजरात के कौन से जिले में जाती है? यह जो गुजरात का क्षेत्र है इसका नाम है बनासकांठा। बनासकांठा क्यों कहते हैं? क्योंकि बनास नदी इस क्षेत्र में आती है, और कांठा का मतलब होता है कि नदी का प्रवाह क्षेत्र, इसलिए इस जिले का नाम ही बनासकांठा है। तो हमने क्या बात करी कि पश्चिमी बनास सिरोही से निकली और राजस्थान की बाउंड्री क्रॉस करके कहाँ गई? बनासकांठा में। और इसके किनारे पर एक तो डीसा शहर है, दूसरी बात करें तो आबू शहर है, और तीसरा है नया सनवाड़। एक नदी निकलती है जो दाईं तरफ से इसमें मिलती है जिसका नाम है कुकड़ी नदी, और बाईं तरफ से एक नदी मिलती है जो गुजरात में जाके इसमें मिलती है उसका नाम है सुकली नदी। तो दो नदियों की बात करी हमने और तीन शहरों की बात करी। इस तरह पश्चिमी बनास अपना जल छोटे कच्छ के रण में ले जाती है, और इसलिए ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें नदी की, तो इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। तो 260 किलोमीटर लंबी ये नदी है पश्चिम बनास। आगे देखते हैं और आगे बात करें तो एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम आता है साबरमती, और साबरमती के बारे में भी अपन देखेंगे। साबरमती नदी तो आपने देखा होगा एक गाना है साबरमती के, संत तूने कर दिया कमाल। तो वो जो है गांधी जी के उपलक्ष में है, क्योंकि उनका आश्रम था कहाँ पे? अहमदाबाद में, और अहमदाबाद जो है शहर है वो साबरमती नदी के किनारे ही है, इसलिए उनको साबरमती का संत कहा गया है। पर हम राजस्थान के संदर्भ में इसको देखेंगे तो साबरमती नदी की बात करें जो कि कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का। अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है साबरमती नदी, जो अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी अपना जल लेके जा रही है। अगर बात करें तो पादरला गांव से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम की स्थल बात करें तो पादरला गांव, और पादरला गांव कहाँ पड़ता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में, और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। तो पादरला गांव से किसका उद्गम हुआ? साबरमती नदी का, और ये उदयपुर में बहती है,
और उदयपुर में पहने के बाद ये राजस्थान की सीमा क्रॉस करके कहाँ चली जाती है, गुजरात में। और गुजरात में दो महत्वपूर्ण शहर इस नदी के किनारे है, एक शहर का नाम आता है गांधीनगर, गांधीनगर, और दूसरा है भारत का मैनचेस्टर जिसको बोलते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद, जहाँ पर इस नदी के किनारे गांधी जी का एक भव्य आश्रम है, तो इसलिए गांधी जी को क्या बोलते थे, साबरमती का संत, जो गाना उन पे बना है। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि पश्चिमी बनास निकली और सिरोही से निकल के ये गुजरात में जाती है, तो उस जिले का नाम जो गुजरात में है वो है बनासकांठा, बनासकांठा। बनास क्यों है, क्योंकि बनास नदी जाती है और कांटा उस क्षेत्र को कहते हैं जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है। उसी तरह जब साबरमती नदी गुजरात में प्रवेश करती है और इसके यहाँ पर गांधीनगर अहमदाबाद शहर है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है इसको बोलते हैं साबरकांठा। कौन सा जिला पड़ता है, साबरकांठा। साबरकांठा क्यों, क्योंकि साबर सब साबरमती नदी से और कांटा इसका प्रवाह क्षेत्र, इसलिए इस जिले का नाम क्या है, साबरकांठा। तो राजस्थान से जुड़े हुए जो गुजरात के जो जिले हैं उसमें साबरकांठा है और बनासकांठा, ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है। अब साबरमती नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है राजस्थान में वो मात्र 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर लंबाई किसमें, राजस्थान में, और कुल लंबाई की बात करें तो वो है 416 किलोमीटर। तो कुल लंबाई तो 416 किलोमीटर है जबकि राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर तक ये बहती है। और इसमें बहुत सारी नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती है, उनमें जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो है मेसवा। सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां जो है उसमें महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो एक तो वेतरई, दूसरी है सेई, तीसरी बात करें तो हतमती, और भी नदियां हैं जैसे मेसवा हो गई और वाकल हो गई, वाकल। तो वेतरई, सेई, हतमती, मेसवा और वाकल, ठीक है। इसकी ट्रिक की बात करें तो इसको ट्रिक से भी समझ सकते हैं हमें, तो कैसे ट्रिक, कैसे याद रखेंगे ट्रिक को, कि मावा चाहिए वैसे हमें, ट्रिक क्या है, मावा चाहिए वैसे हमें, मावा चाहिए वैसे हम, तो म से तो बनता है मेसवा और वा से बन जाएगा क्या, वांकल। और चाहिए की बात करें तो चाहिए को अपन को साइलेंट रखना है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, चाहिए से कुछ नहीं। और वैसे का मतलब, वे का मतलब तो वेतरई, और स का मतलब सेई, और हमें से हतमती, हतमती। तो मेसवा, वाकल, वेतरई, सेई और हतमती। तो मावा चाहिए वैसे हमें, तो मावा से मेसवा, वाकल, व से वेतरई और स से सेई और हमें से हतमती। तो साबरमती जिसकी लंबाई 416 किलोमीटर है, जो खंबात की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है, उसके किनारे दो महत्वपूर्ण शहर गांधीनगर गुजरात और अहमदाबाद गुजरात, और इस क्षेत्र को साबरकांठा जिला कहा जाता है, जो पादरला गांव गोगुंदा से जिसका उद्गम स्थल है। तो इस तरह से हमने अरब सागरी अपवाह तंत्र को समझा, जिसमें चार नदियां देखी, एक तो लूणी और माही जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बारे में अपन ने पहले दो लेक्चर में बात कर रखी है, और इसमें हमने देखा पश्चिमी बनास को और साबरमती नदी को। आगे की वीडियो में और देखेंगे ये अंतःप्रवाह की नदियां जो है राजस्थान में, जैसे घग्गर हो गई, साबी, कांतली, रूपारेल, उन सब नदियों की भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को 100% करने की कोशिश करें। तो धन्यवाद दोस्तों।